मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्वेश्चन ये है, आपके पास तीन थिन रॉड्स हैं, एक दो और तीन, तीनों की तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, पढ़ी हुई है एक्स वाई जेड में पढ़ी हुई है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस रॉड के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे देखना चाहिए, ये एक रॉड है वाई एक्सिस, ये एक रॉड है एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, सही है? तो वाई एक्स और जेड एक्सिस, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? और मुझे आई किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट। रूल नंबर वन, ये रॉड का एक्सिस अगर इसके अंदर से पास करता है तो आई क्या होगा इसका, जीरो। लास्ट टाइम किया था, एक्सिस के अंदर से अगर आई पास एक्सिस पास करेगा तो जीरो, तो इसको तो छोड़ दें। इस रॉड के लिए ये जेड एक्सिस क्या है, टेंजेंट नहीं है, इसको छुपा लेता हूं, ये रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितने, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो इसके अबाउट कितने, एम एल स्क्वायर बाई 3, किया था लास्ट टाइम, ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, टेंजेंट है एम एल स्क्वायर बाई 3, तो यानी कि इस रॉड का कॉन्ट्रीब्यूशन जेड एक्सिस पे क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। अब एक्स एक्सिस की रॉड को देखो, इस रॉड के लिए भी एक्सिस क्या है, टेंजेंट है, तो फिर से एम एल स्क्वायर बाई 3, तो फिर जेड का अपना 0, एक्स और वाई का कितना, एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई, टोटल क्या आएगा 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। कोई डाउट इसमें? कहां गड़बड़ होती है, लोग लगाते हैं इसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो क्या कहती है, z के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज x के अलोंग प्लस y के अलोंग, और फिर वो बोलते हैं कि x के अलोंग अगर हम एक्सिस लेते हैं तो रॉड का आई क्या है, 0, इसके अबाउट 0, तो इसके अबाउट भी 0, पर थ्योरम लगेगी नहीं, थ्योरम तो लैमिना पे लगती है, एंड रॉड इज नॉट अ लैमिना, तीन रॉड कब से लैमिना हो गई, इसलिए लगता ऐसे है कि थ्योरम लग जाए, लगता है ऐसे है कि थ्योरम लग जाए, पर थ्योरम लगेगी नहीं, इसमें एक्सिस का ही रूल है, जैसे एच वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो आपने इस रॉड का ये एक्सिस लिया तो एम एल स्क्वायर बाई 3, इस रॉड के लिए भी ये टेंजेंट है एम एल स्क्वायर बाई 3, दोनों रॉड्स यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाई 3 और एम एल स्क्वायर बाई 3 ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टोटल 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? क्या किया था, अगर ये रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड का मोमेंट इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, तो जेड एक्सिस है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, एक्स वाली रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3, वाई एक्सिस का भी क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 3, तो ऐड कर दो आंसर। जेड का तो खुद ही एक्सिस बीच में से पास कर रहा है तो 0, जेड करेगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है ये, अभी होगा नहीं आपसे, एक मिनट। हाँ, फिगर रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है कोई, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट। कह रहे एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर का हमने आई निकाला, हमने जो आई निकाला वो किस एक्सिस पे निकाला, हमने जो आई निकाला वो इसके डायमीटर से एक्स दूरी पे कोई एक्सिस है उस पे आई निकाला, तो इसके डायमीटर या सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या, स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, और हमने एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस लिया, इस पे आई निकाला, तो इस पे आई क्या निकलेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा आई आ गया। वो कह रहे हैं मैंने ग्राफ प्लॉट किया किसका, आई वर्सेज एक्स का, आई वर्सेज एक्स का, तो ग्राफ प्लॉट करो क्या होगा, इस इक्वेशन को देखते हुए आई और एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक? रूल नंबर वन, जब भी आप वाई और एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हो और वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स या वाई इज सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ है। तो एक बात तो पक्की है, क्योंकि आई है और एक्स है, ग्राफ वाई एक्सिस में आई है और एक्स एक्सिस में एक्स है, तो ग्राफ कम से कम स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकता, तो ना तो ये बनेगा और ना ही ये बनेगा, बनेगा तो पैराबोला बनेगा। रूल नंबर वन क्लियर है? रूल नंबर टू, पैराबोला ऐसा तब बनता है जब आई इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखता सिर्फ एम एक्स स्क्वायर, यानी कि जब एक्स जीरो है तो आई भी
जीरो है जब एक्स जीरो आई भी जीरो है। पर यहां पर क्या प्रॉब्लम है, जब एक्स जीरो है तो आई की कुछ मिनिमम वैल्यू तो है ही है। ये देखो जब एक्स जीरो है तो आई की कुछ तो मिनिमम वैल्यू है ही है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ग्राफ ये बनेगा, समझ में आ रहा है यहां तक? तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट अपना रोल प्ले करेगा। समझ में आ रहा है इसका आंसर डी क्यों बनेगा? ठीक है यहां तक, ओके। इस क्वेश्चन को पढ़ें। देखो, इफ आई वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो कह रहे आई वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी रॉड का जिसका एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, उसके सेंटर से। तो फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, आई वन आ गया। फिर वो कह रहे हैं आई टू इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, और किस एक्सिस में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, एम आर स्क्वायर, आर तो गिवन ही नहीं है। वो कह रहे जो रिंग बनी वो कैसे बनी, बाय बेंडिंग दी रॉड, उसी एल लेंथ की रॉड को गोल घुमा दिया। तो आर निकालना पड़ेगा, अगर एल लेंथ की रॉड को गोल घुमा दिया तो एल इज इक्वल टू 2πr। तो यहां से आर क्या आएगा, एल बाय 2π। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, आर की जगह एल बाय 2π। आई टू आ गया, रेशियो निकाल दो, कह रहे आई वन आई टू का, आई वन आ गया आई टू आ गया, इनकी रेशियो निकाल देना आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। उसने कहा आई टू क्या किया, रिंग का निकाल लें, रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, आर तो दिया ही नहीं। कह रहे वही जो ये रॉड थी एल लेंथ की उसको गोल घुमा दो, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू एल, तो आर निकाल दिया, आर को पुट कर दिया। सही है क्या, ये पॉइंट क्लियर है? A rod is placed along line y is equal to 2x. ये x है और ये y है, तो एक लाइन बना लेते हैं y is equal to 2x. अब क्या करना है, कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका एक पॉइंट ओरिजिन पे है रॉड का, ये रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज मैक्सिमम अबाउट। तो मैक्सिमम कब होगा, देखो एक बात तो पक्की है, एक्स वाई प्लेन में अगर मैं एक्सिस के बीच में से पास करता हूं तो आई तो पक्का ही जीरो होगा, जीरो होगा। अगर कोई कहे कि आप एक्स एक्सिस को इसके अबाउट आई निकालो, एक लंबा क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को एम वन लेना पड़ेगा जिसकी दूरी यहां से वाई वन है, फिर एम टू की दूरी, एम थ्री, एम फोर करते करते पूरी रॉड लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे अगर वाई एक्सिस का करना है तो भी मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो मैं अभी करना सिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आने वाले लेक्चर में वो एक तरीका आएगा जिसमें आई को इंटीग्रेट करके कैसे निकालना है, अभी नहीं सिखा रहा। तो आप इसमें क्या करें, अभी याद करें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के लॉन्ग क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। हाँ, मैं एक्स और वाई में निकालना नहीं सिखा रहा, थोड़ा सा लंबा इंटीग्रेशन का काम है अभी, मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। तो अभी अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके उसमें बुक में तो आप इसका जेड एक्सिस ही मार्क करना, क्यों करना है मैं आने वाले टाइम में भी बताऊँगा इसे, ठीक। तो डाउट के फॉर्म में आएगा इसलिए कह रहा हूं, ये हर स्टूडेंट डाउट पूछता है। क्वेश्चन पढ़ना,
देखो एक पॉइंट को समझो पहले. जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने देखा एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस. मेरे को देखने में लगा जैसे ये रॉड है, तीन रॉड लगा रखी क्योंकि रॉड का आई तो मुझे पता है. रॉड थी नहीं, प्लेट है. अब प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का मैंने तो आपको नहीं करवाया. हमने कौन सी प्लेट की? ट्रायंगल हमने नहीं की. हमें आई निकालना आता नहीं है इसका. क्लियर है? लेकिन वो ये पूछ रहा है कि अगर एक्सिस जो है, अगर एक्सिस ये रखें तो मोमेंट तो मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी प्लेट के ऊपर इस तरफ, तो आई वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. और अगर एक्सिस ये रखें तो मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें आई टू है. और अगर ऐसे रखें तो मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, मोमेंट इनर्शिया आई थ्री है. बोलो कौन बड़ा कौन छोटा? ठीक नहीं, सेम नहीं है क्योंकि जब एक्सिस चेंज करते हैं आई कैसे सेम होगा. ठीक, तो रूल क्या लगेगा? रूल ये लगेगा, फॉर्मूला तो मैं आता नहीं पर मैं ये पता है, और मास सेम रहेगा. कोई भी एक्सिस ले लो मास विल रिमेन सेम. मास तो चेंज ही नहीं होगा m1 m2 m3, पर मास जब आप एक्सिस चेंज करते हो तो उन्हीं मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से चेंज हो जाता है. जैसे अगर मैं एक्सिस BC लेता हूं तो पार्टिकल्स यहां 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 तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर मैं AB लेता हूं तो यहां यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. राइट, क्लियर है यहां तक? अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है AB ग्रेटर देन BC, तो AB की लेंथ बड़ी है, यानी कि ये वाली लेंथ बड़ी है और ये वाली लेंथ छोटी है. राइट, तो अगर मैं एक्सिस ये लेता हूं तो मासेस दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्यों? क्योंकि ऊंचाई लेंथ ज्यादा है, ये वाली लेंथ ज्यादा है, तो मास दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. M1, R1, M2, R2, M3, R3 स्क्वायर में R1, R2, R3 ज्यादा दूर है. लेकिन अगर मैं एक्सिस ये लेता हूं तो ये ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि उसने कहा BC की वैल्यू क्या है? कम है. तो इधर की विड्थ कम है, ऊंचाई ज्यादा है. ये बात समझ में आ रही है? तो जब मैं M1, R1 स्क्वायर, M2, R2 स्क्वायर निकालूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 का बड़ा निकलेगा क्योंकि पार्टिकल दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और I1 का कम निकलेगा क्योंकि पार्टिकल दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. क्या बात समझ में आ रही है? इन एनी केस I2 तो बड़ा निकलेगा ही, तो I2 से ही कहानी स्टार्ट होगी ऑप्शन नंबर बी. अंदाजे से आंसर मार्क करना है, इसका फॉर्मूला कोई नहीं है. तो मास डिस्ट्रीब्यूशन से करना है कि आपको क्या लगता है कि मास दूर दूर कहां मिलेगा आपको. मास ऐसे दिखेगा दूर दूर. समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है सर, क्या आप ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दोगे? मैंने ये कहा कि इसमें अगर मान लो एक्सिस ये लेता हूं, ले लिया एक्सिस BC, तो BC छोटा है, AB बड़ा है. मानते हो AB बड़ा है? Yes, AB बड़ा है, तो दूरी पार्टिकल्स की वाई एक्सिस में बड़ी है. Yes, sir. और एक्स एक्सिस में छोटी है, BC छोटा है, तो I2 बड़ा कि I1 बड़ा? I2 बड़ा, क्योंकि M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, R1 R2 बड़े हैं इसमें, तो I2 बड़ा है एज कंपेयर टू I1. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसे ठीक है यहां तक?